हेलो व्यूअर्स, चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, तो आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसे यूज़ नहीं करते। तो अगर आपको लगता है कि वो यूज़ करना आपके लिए सही है तो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहे तो नहीं भी कर सकते। तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ के आपको शायद समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो व्यूअर्स, बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लॉग इन विथ फेसबुक एंड गूगल। तो आप में से बहुत सारे यूज़र आप देखते हैं कि जब कोई आप वेबसाइट ओपन करते हैं या फिर जो भी पेज ओपन करते हैं, कुछ शायद ही कुछ पेजेस है ऐसे पेजेस में आपको क्या क्या वर्क करने को मिलता है, बहुत कुछ। तो मैं अब अगर एक्सप्लेन करके बताने जाऊँगा तो मैं अभी जब से शूट कर रहा हूँ ठीक 12 घंटे बाद तब भी शायद ही कम्प्लीट होगा। तो वेबसाइट में क्या वर्क करते हैं हम, जैसे कि एक फ़ोटो एडिट करना, अपना चैनल का लोगो बनाना, जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ इसीलिए मैं अपने चैनल का लोगो बोल चुका हूँ। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपकी गाना एडिटिंग कर सकते हैं या फिर गाना डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कुछ भी, बहुत सारी ऐसे कुछ चीज़ है ऑनलाइन में जो शायद ही मैं भी जानता हूँ। तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करते हैं हम लोग, पहले शायद ही लॉगिन करते हैं या फिर अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करते हैं। तो साइन अप करने के लिए आपको एक बड़ी सी लंबी सी फॉर्म मिल जाता है, तो उससे फिलअप करना पड़ता है, उसके बाद उससे यूज़र ऑथेंटिकेशन की वेरीफाई करना पड़ता है और बहुत सारी प्रोसेस है, उसके बाद शायद ही प्रोफाइल पिक्चर और बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अगर हम इस झंझट को दूर करना चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन और भी है, दो ऑप्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि आप कोई भी साइट पे जब लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन करने के वक्त आपको क्या दिखाई पड़ता है, जब आपकी लॉगिन आईडी नहीं होता तो लॉगिन आईडी के जब नहीं होता तब नीचे आप देखते हैं लॉगिन विद फेसबुक या फिर गूगल। तो ये दोनों ऑप्शन एकदम 100% में ही मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पे ये दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब कुछ बात करते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट के, तो गवर्नमेंट वेबसाइट में दोस्तों आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट में उसके अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सबके साथ हम शेयर नहीं कर सकते। तो उससे शेयर करने के लिए आपको उनका ही एक यूज़र ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बाकी जो आप एनी नॉर्मली या फिर कैजुअली यूज़ करते हैं तो उसमें आपको ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे कि फेसबुक विद लॉगिन विद फेसबुक विद एंड लॉगिन विद गूगल, और लॉगिन विद ईमेल तो आप देख ही चुके होंगे। तो लॉगिन विद गूगल या फिर फेसबुक क्या है और ये वर्क कैसे करते हैं, तो बिना बात तो आज हम बात करेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर। तो आप ये वीडियो पूरा देखते रहिए, वैसे भी मैंने ये बोलने में बहुत देर कर दिया है लेकिन आप देखते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है और ये आपके लिए सेव है, मेरे लिए सेव है या फिर हम सब के लिए सेव है ये नहीं। तो बात करते हैं आप फेसबुक या फिर गूगल के बारे में। तो दोस्तों, आप जब कोई साइट पे लॉगिन करने जाते हैं तो लॉगिन करने के बाद वो जो दो ऑप्शन मिलता है, तो वो दो ऑप्शन कि आप अगर आप कहीं प्रेस कर चुके होंगे तो आपको शायद पता है, या फिर आप प्रेस करके डायरेक्ट घुस चुके होंगे, उसमें आप कोई चेक इन नहीं कर रहे हैं, आप मैनुअली कुछ चीज़ देख नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। जैसे कि अब बात करेंगे कि साइन अप के बाद आपको एक लंबी सी फॉर्म मिलता है, उसमें आपकी नाम, डिटेल्स, फ़ोन नंबर, विच कंट्री, विच सिटी, आपका बहुत बहुत कुछ देना पड़ता है। मेरा कभी कभी यहाँ से प्रॉब्लम करना लगता है कि इतना डिटेल्स फिलअप करना है। तो जब आप ये सब करेंगे तो आपको हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी लॉगिन करना है, तो आप फेसबुक के नीचे जो ऑप्शन आप जो नीचे ऑप्शन है फेसबुक या गूगल विथ लॉगिन विथ फेसबुक या गूगल, तो आप दोनों में से एक को क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या आता है, जैसे कि फेसबुक के बाद आता है, आप जब क्लिक करेंगे अगर आप एक मोबाइल फ़ोन में ऐसे करते हैं या फिर आप पीसी में जो भी करते हैं, उसके बाद अगर आपकी फेसबुक आईडी उस पर्टिकुलर जैसे कि क्रोम में लॉगिन है तो वो लॉगिन होने के अगर लॉगिन है पहले से तो लॉगिन होने के बाद वो एक ऑप्शन देगा कि वो एक पॉपअप भेजेगा आपको, कि उस पॉपअप में लिखा रहेगा इंग्लिश में लिखा रहेगा, तो मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। उस पॉपअप में लिखा देगा कि ये आपका जो आप इस वेबसाइट से उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए आपका डिटेल्स ये वेबसाइट आपके पास मांग रहा है, तो अगर आप देना चाहते हैं तो वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप देखना चाहते हैं कि वो कौन सी ऑथेंटिकेशन को पाना चाहते हैं, तो वो देखने के लिए आपको लिखा आएगा एडिट दिस। तो एडिट दिस के अंदर जाएंगे, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि वहाँ पे एक वेबसाइट में क्या कहा जाता है साइन अप करने के वक्त, आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, तो वो तो ठीक है, आप दे वहाँ पे भी दे सकते हैं या पर भी दे सकते हैं, लेकिन
वहाँ पे अक्सर आप देखेंगे कि वहाँ पे कोई चैटिंग्स का ऑप्शन रहेगा कि चैटिंग्स आप दिखाना चाहते हैं तो वो आप डिने कर सकते हैं या फिर अलाउ भी कर सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा आप डिने कर दीजिए। आपका फेसबुक पे कितना फ्रेंड है वो आप देखने के लिए ऑथेंटिकेशन मत दीजिए, डिने कर दीजिए। तो ये कुछ छोटा छोटा ऐसा बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको डिने कर देना है। तो डिने करने के बाद आप जब कंटिन्यू करेंगे तो वो पर्टिकुलर ऐप दो फेसबुक ऐप का क्या करेगा, वो फेसबुक ऐप आपको उसी वेबसाइट पे फिर से ले जाएगा और उस वेबसाइट को परमिशन दे देगा कि हाँ ये मेरा कस्टमर है, इसके अकाउंट मेरे पास है, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप मुझसे ले सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों गूगल या फिर फेसबुक, मैंने फेसबुक के बारे में बताया, अब गूगल पे भी ये सेम चीज़ देख सकते हैं। तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए वो जो वेबसाइट है तो वो उस वेबसाइट उससे एक लिंक भेजेगा, उसके थ्रू आपका डिटेल्स दे देगा। अब कुछ आपके मन में ये सवाल आता होगा कि हाँ ऐसे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको कुछ भी वो और भी वेबसाइट से आपका फेसबुक का आ सकता है तो क्या आपको देना चाहिए। तो अगर आप जो वेबसाइट ओपन करते हैं उसका ही पर्टिकुलर आप कंटिन्यू कर दीजिए, एक्सेप्ट करिए, अलाउ कीजिए, वरना आप कोई भी वेबसाइट का मत कीजिए। क्योंकि वो वेबसाइट का अलाउ करने के वक्त हो सकता है कि आपका जो पर्सनल जो आपका एक प्राइवेसी है वो आप गॉन हो सकती है, तो वहाँ पे आप मत दीजिए। और वो जो आपका जो पॉपअप आता है वो क्यों आता है दोस्तों, पॉपअप आने के पहला वजह है, जब पॉपअप आता है तो हो सकता है कोई भी वेबसाइट अब कुत्ते की दुम की तरह हो सकता है आपके पीछे लगा है। तो इसीलिए वो ऑथेंटिकेशन फेसबुक को भेजता है। तो ऑथेंटिकेशन भेजने के वक्त वो आपके ऊपर डिसाइड करता है आप अलाउ करेंगे या फिर नहीं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये सेफ है या नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल सेफ है ये, आप जल्दी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जल्दी क्या, मैं भी कई जगह पे यूज़ करता हूँ, मैं ज़्यादातर जगह पे यूज़ करता हूँ। तो वहाँ पे आपको मेन चीज़ क्या देना देखना पड़ेगा, वहाँ पे आपका इम्पोर्टेंस क्या रहेगा। तो वहाँ पे मेन इम्पोर्टेंस रहेगा आपका जो आप जो ओपन कर रहे हैं, आपका जो मैंने बताया पॉपअप्स आएगा, आप जो फेसबुक के थ्रू कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पे एक पॉपअप्स आएगा फेसबुक की तरफ से। तो वो फेसबुक की तरफ से वो पॉपअप के मैंने जो बताया था एडिट दिस, तो वहाँ पे एडिट दिस लिखा आएगा, शायद ही मैं आपको ये पिक्चर में दिखा सकता हूँ तो पिक्चर में आप देख लेना। तो वहाँ पे लिखा आएगा एडिट दिस, तो एडिट दिस पे क्लिक करके आप जो देना चाहते हैं, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, या फिर आप फ़ोन नंबर नहीं देना चाहते तो आपका ईमेल एड्रेस, ये सब आप अलाउ कर दीजिए। लेकिन जो आपका पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन है, आप कहाँ पर रहते हो, आपका सॉरी दोस्तों, तो आपका जो खुद का प्राइवेसी है वो मेंटेन्स करके आप बाकी सब कुछ दे दीजिए, तो आपका जो आप अकाउंट वो सेफ रहेगा। वरना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंटरनेट का ज़माना है, ऑनलाइन का सिस्टम है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर दोस्तों आपको ये शायद ही आपको ये जानकारी सुन के अच्छी लगी है, और आप अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसे वीडियो लेकर आता है। तो गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।